तो गाइस अब हमने एक बार वॉकिंग करते करते आपको मैं अंदर का पूरा भाई देख लो व्यू दे देता हूँ। ये गार्ड का एरिया हो गया आपका एंड ये पूरे की पूरी सोसाइटी हो गई भाई। वैसे सोसाइटी देखा तो सोसाइटी तो साफ सुथरी है बट एरिया भी पॉपुलेशन की कमी है तो ऑटोमेटिकली उस चक्कर में ऐसे रेट्स है। जिस दिन गाइस यहाँ पे मेट्रो आ गई ना भाई आपकी अच्छी खासी अप्रिसिएशन मिल जाएगी भाई। देखो अगर हम यहाँ पे क्रिकेट भी खेलते कितना खुला खुला आपको एरिया मिल जाता है काफ़ी। मतलब सोसाइटी वैसे अगर बात करूँ मतलब डीलर्स वगैरह भी यहाँ पे सबके नंबर है। अगर मैं आपको इनका भी शेयर अप कर देता हूँ भाई आप किसी से भी रेट्स वगैरह ट्राई करने आप करो कोई चक्कर नहीं है। ये हमारी बेसिकली एंट्री है एंड ये सारा का हिसाब का सिस्टम रहने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग आप लोगों के लिए दिल्ली एनसीआर में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाते रहते हैं। आज उसी तरह हमने आप लोगों को कुछ दिन पहले एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर आपको हमने वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसका हमारा टॉपिक था DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो भी हमारे फ्लैट्स आ रखे थे 1 BHK 2 BHK एंड 3 BHK उस सब के ऊपर हम लोगों ने आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है एंड हम लोगों ने कोशिश की है कि आप लोग हमारे एंड से जितना गाइड हो सके हमने ट्राई किया है। तो बेसिकली आज भी हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है हम एक प्रॉपर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा आज का प्रोजेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है DDA फ्लैट्स इन रोहिणी सेक्टर 34। जी गाइस DDA फ्लैट्स इन रोहिणी सेक्टर 34 यहाँ पे ना आप लोगों की इतनी एक डिमांड रही है हमको कि आपको रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर अपने DDA फ्लैट्स चाहिए जो कि हमारे 1 BHK के फ्लैट्स रहते हैं। तो आज पहले तो हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे जिसके अंदर जो भी हमारे पास यूनिट्स अवेलेबिलिटी है क्या प्राइसिंग है क्या डिटेल्स है वो सब आपको अभी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बात कर लेते हैं जो हमारे आज प्रोजेक्ट की ये हमारा रहने वाला है रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर जो कि प्रॉपर अगर मैं आपको कनेक्टिविटी बताऊँ रिठाला से अगर रिठाला के मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी देखें तो यहाँ से लगभग 8 से लेकर 9 किलोमीटर दूर रहता है ये प्रोजेक्ट। बट अभी इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में कोई अभी एज सच खास कनेक्टिविटी है नहीं। ये इन्वेस्टमेंट उन बायर्स के लिए रहने वाली है जो कि अगर आज की डेट में इन्वेस्ट करके 5-6 साल इस प्रॉपर्टी को अगर भूलते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक ऑप्शन रह सकती है। बात कर लेते हैं क्यों आपको ये चीज़ कंसिडर करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए पूरी की पूरी इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा आपको जवाब दूंगा आज एंड आपकी कोशिश करूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही तरीके से करो। बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की। तो बेसिकली रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको 1 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं। सोसाइटीज़ की बता दूँ हमारी दो यहाँ पे सोसाइटीज़ रहती है एक है मनोकामना अपार्टमेंट्स एंड एक और सोसाइटी आपकी यहाँ पे रहती है। साथ में इसी लोकेशन पे अगर हम ऑपोजिट इसके यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको अपने प्लॉट्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे 32 मीटर 30 मीटर 32 मीटर 45 मीटर और 60 मीटर के यहाँ पे प्लॉट्स रहते हैं। वो भी मतलब आप देख सकते हैं कि अभी प्रॉपर एक जंगल टाइप की लोकेशन है बट ये है कि इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे डेवलपमेंट आई तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बसेंगी एंड आपको कुछ एक अच्छा देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे फ्लैट्स की। ये जो आप फ्लैट्स देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक 1 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं इस सोसाइटी के अंदर जिसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली ये है कि आज की डेट में अगर हम फ्लैट्स की प्राइसिंग की बात करें तो मात्र 11 लाख रुपए से लेके 15 लाख के रेट में यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं जिसके अंदर हमारे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर तक यहाँ पे हमारे फ्लैट्स रहते हैं। यानी कि आपके पास एक वैरायटी मिलती है कि आप फ्लैट ले या कौन सा ले कौन सी ऑप्शन ले। अब हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्लैट्स की। तो बेसिकली जो आप फ्लैट्स देख सकते हैं सारे के सारे रॉ फ्लैट्स रहते हैं हमारे यहाँ पे। रॉ फ्लैट्स का मतलब ये कि आप अगर आज की डेट में भी फ्लैट खरीदते हैं तो आपको पूरा का पूरा फ्लैट अपने तरीके से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा अंदर से। DDA मतलब DDA लेवल के फ्लैट्स रहते हैं जैसे कि मतलब DDA ने जो जिस तरीके से DDA ने जिस तरीके से अलॉटमेंट किया उसी सेम कैटेगरी के फ्लैट्स रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ बनाओ फ्लैट मिले तो ऑटोमेटिकली उसके रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अब हम इस वीडियो के अंदर पहले ये बात कर लेते हैं। देखो गाइस जिन्होंने भी आज से 5 से लेकर 7 साल पहले यहाँ पे रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी तब भी उन्होंने इन्हीं रेटों पे इन्वेस्टमेंट करी थी जो रेट आपको आज के डेट में मिलते हैं। इनफैक्ट 10% अमाउंट के वो पीपल हैं जिन्होंने एक रेट के अंदर डेप्रिसिएशन पाया है आने वाले 5 से लेकर 7 सालों में। जबकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ रहती है जहाँ पे आपको अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फ्यूचर में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। एक ही ऐसी इंडस्ट्री है पूरे इंडिया वर्ल्ड में जो आपको प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। बट इस लोकेशन पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है एंड स्टिल लोग प्लान कर रहे हैं कि इनको यहाँ पे आज के डेट में भी फ्लैट्स लेने हैं।
सबसे बड़ा मेजर रीज़न है कनेक्टिविटी। यहाँ पे अगर आपके पास कोई अपना पर्सनल कन्वेंस है तो ही लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं 1 BHK, जिनका बिल्कुल बजट नहीं होता एंड वो चाहते हैं कि एक छोटा मोटा हम रेंट ना भरे उल्टा एक फ्लैट ले, तो वो यहाँ पे आते हैं, साथ में जिनको कोई कनेक्टिविटी की परवाह नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर सराउंडिंग में बात करें तो अभी आपको कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं मिलती, या ना ही आपको यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल्स या फर्स्ट एड, मतलब कुछ भी बेसिक जो स्कूलिंग वगैरह वो चीज़ें अभी यहाँ पे आपको नहीं मिलती फिजिबल। यानी कि जिस दिन यहाँ पे एक इस टाइप की बेसिक डेवलपमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपको कनेक्टिविटी प्राइस इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बट अभी पिछले कुछ टाइम से ये चीज़ें नहीं हुई, तभी ना एप्रिसिएशन आपको देखने को नहीं मिली। हर बंदा ये कहता है कि जी हमने ना आज से 10 साल पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी ली थी, एंड आज की डेट में ना वो अपने मतलब मुंह बोले रेट मांगते हैं, बट वो मिलते नहीं हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले भी सेम यही कॉन्सेप्ट था एंड यही योजनाएं सुनाई जा रही थी सबको कि यहाँ पे मेट्रो कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, साथ में आपको यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस सब खुलने वाले। बट वही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें खुल टाइम बढ़ता रहा बट चीज़ें कोई नहीं खुली। आज भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलती एंड सेफ्टी थोड़ी सी नहीं है, इस चक्कर में लोग यहाँ पे वैसे कम अवॉइड करते हैं लेना। बट अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या ये लोकेशन है सच में इन्वेस्टमेंट करने वाली। पर्सनल सजेशन एक मैं आपको देना चाहूँगा, जितना भी हमने दिल्ली NCR के अंदर देखा है प्रॉपर्टी ने हर जगह बूम पाया है, वेदर इट्स अगर आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये दिल्ली NCR की हम बात कर रहे हैं। एंड पिछले कुछ सालों में गुड़गांव नोएडा अपने 3x-4x लेवल तक पहुंच चुका प्रॉपर्टी के बूम पे। बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, बात कर ले रोहिणी के सेक्टर अंदर 8, रोहिणी सेक्टर 10, रोहिणी सेक्टर 12, यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन है। एंड यहाँ पे अगर छोटा सा भी आप 2 BHK फ्लैट 3 BHK लेते हैं, 1 से लेकर 1.5 करोड़ का मिनिमम आपको रहता है और बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लोकेशंस हो चुकी है। बट ये जो हम लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर एक दिख रहा है कि खुला आसमान एंड खुली लोकेशन है, साफ खुली खुली, इसका कारण ये है कि यहाँ पे अभी लोग नहीं रहते। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लेने के हम तौर पे बात करते हैं, अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे 100 फ्लैट्स हैं तो 100 में से बस 5 फ्लैट्स फुल हैं, ऑक्यूपाइड है, रेस्ट 95 आपके खाली पड़े हैं। और 95 में से इतने मैक्सिमम 95 ये लोग हैं कि जिन्होंने सोचा कि फ्यूचर में इनको एक अच्छी खासी एप्रिसिएशन मिलेगी। एंड कुछ लोग आज के डेट में जो प्रैक्टिकल काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये करते हैं कि अब 5 साल 7 साल अपने पैसे अटकाने के बाद आज उसको एग्जिट करना चाह रहे हैं, चाहे बेशक वही रेट्स हो जो उन्होंने आफ्टर रजिस्ट्री सारे कंप्लीट करा के जो उनको घर पे प्रॉपर्टी पड़ी थी उसी रेट्स पे वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट बहुत लोग ऐसे जिनको इस चीज़ में इशू आ रहा है। रीज़न ये है कि लोग लेना चाहते हैं बट लोग चाहते हैं कि 10-11-12 लाख तक ही हम ले सकेंगे जी, उससे ऊपर लेंगे नहीं। सामने वाला भी कहता है कि जी 15 लाख का तो मैंने लिया, 2 लाख रुपये मेरे रजिस्ट्री का खर्चा, 17 लाख का तो मुझे पड़ा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली अगर आप पैसा भी ब्याज पे देते तो आपको एक एप्रिसिएशन देखने को मिलती है। वही सेम कॉन्सेप्ट से लोग 20-22 लाख मांगते हैं जो कि उनको इजीली नहीं मिल पाते हैं एंड सो इस चक्कर में अटक जाते हैं। बट जो यहाँ पे अगर एक बेसिक रेट है 11 से 15 लाख अगर आप चाहते हैं एंड अगर आप सोचते हैं कि नहीं जी 10 से लेके 15 साल में कुछ यहाँ पे हमें बूम देखने को मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली यू हैव द राइट, आप जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट करें। बट सेम चीज़ अगर मैं आप से एप्लीकेबल करता हूँ, अगर आपके पास 15 लाख रुपये पड़े हैं अगेन आप सोचते हैं कि मैं यहाँ पे फ्लैट लूँ या मैं कुछ और करूँ, तो पर्सनल सजेशन विद इन 5 to 7 years आपको किसी और इसी टाइप की फील्ड के अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिल सकती है या रेंटल देखने को आपको मिल सकता है। तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ पे आप अपना ध्यान दें जहाँ पे आपको day 1 से ही कुछ अपना बेनिफिट देखने को मिले। अब जो हमारी इस वीडियो के यहाँ तक आ चुका है उसको मैं आगे बहुत तगड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको लेटेस्ट जो फ्लैट लॉन्च है दिल्ली NCR के अंदर, हमारी जो DDA की स्कीम्स चलाई गई हैं वो भी आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यानी कि 10-11 लाख में अगर आप यहाँ पे फ्लैट देख रहे हो तो आप उसमें भी ले सकते हैं, अपने एक प्रॉपर प्रोसीजर से, वो भी DDA की न्यू अलॉटमेंट जो कि अभी 2024 की हाउसिंग स्कीम आई है उसके अंदर। जी गाइज वीडियो के अंत तक बने रहो, ये वीडियो थोड़ी लंबी है बट आपको क्या है इन्फॉर्मेशन वाइज इन्फॉर्मेशन आपको मैं सारी दूंगा, कैसे क्या एप्लीकेशन है सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की। ऑटोमेटिकली आपने पिछले कुछ टाइम से हमें इस टाइप की चीज़ों पे एक अच्छा खासा रिस्पांस देखा है एंड हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको सही गाइडेंस देके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं। रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बता दिया क्या आपको इसके अंदर एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्या आपको बूम देखने को मिलेगा और क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या नहीं। पर्सनल सजेशन अगर आप मेरे से पूछो तो हम इस टॉपिक को पहले वाइंड ऑफ करते करते फिर हम जल्दी दूसरे पे जाते हैं।
अगर आप रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप बस एक अपना फ्लैट लेना चाहते हैं एंड आपको कनेक्टिविटी की ऐसा कोई इशू नहीं है, 100 आपको चेयर है कि आप जाओ और वहाँ पे अपना फ्लैट लो अगर 11 से लेकर 15 लाख आपका बजट है तो। बट दो चीज़ें ध्यान में रखना, कनेक्टिविटी साथ में सेफ्टी, दोनों चीज़ें अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बट जिस दिन ये आपको कनेक्टिविटी मिल गई, पैसे की भी अप्रिसिएशन देखने को मिलती है। साथ में अगर आपके पास 10-15 लाख का बजट है, एज आप इन्वेस्ट नहीं कर, आप बस इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गो फॉर अदर प्रोजेक्ट्स। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको उसमें भी गाइडेंस दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारी 2024 की, अब आप वीडियो में अंत तक बने रहो, आपको एक बेनिफिट देके जाऊंगा मैं 2024 की DDA हाउसिंग स्कीम। जी गाइज, ये एक 2024 के अंदर आई हुई हाउसिंग स्कीम है जिसके अंदर आपको आपका खुद का एक 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK फ्लैट लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे बिल्डर्स वगैरह हैं, उनके जो बिल्डर फ्लैट्स की बात करें, फ्लोर्स की बात करें, करोड़ों में आते हैं। बट लाखों में, मिनिमम लाखों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं DDA हाउसिंग स्कीम के अंदर, आप अपना खुद का, जिसको आप सेल्फ यूज कर पाओ, खुद यूज कर पाओ, वो फ्लैट लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आज वीडियो आ चुकी है। एक सरप्राइज था, मैंने सोचा था कि आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हर बंदे का एक सपना होता है कि एक घर हो, एक खुद की प्रॉपर्टी हो, एक छत पे छत हो जो वो खुद रखे एंड सेफ्टी फील करे। क्योंकि प्रॉपर्टी जिसके पास है वो आज के डेट में अपने आप को सुखी भी समझता है, सेफ्टी भी फील करता है, क्योंकि दिल्ली जैसी लोकेशन पे रेंट और मेंटेनेंस ही एक ऐसी चीज रहती है जो इंसान को मतलब फंसा देती है। तो आज की अब योजना में बात कर लेते हैं। हमारी 3 योजनाएं चलाई गई है DDA की तरफ से, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा आप इसके अंदर। पहली जो हमारी योजना चलाई गई है वो है DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम। दूसरी योजना है DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम। तीसरी है DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम। ये तीनों हमारी स्कीम्स चलाई गई है 2024 की योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंदर आपको आपको EWS फ्लैट से लेके LIG, MIG, HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउसेस तक की ऑप्शन मिलती है। मात्र 11.5 लाख रुपए में आपको DDA ऑफर करता है आपका एक खुद का इंडिपेंडेंट फ्लैट। हर साल जो भी हमारी हाउसिंग स्कीम चलाई जाती हैं उसके अंदर नंबर ऑफ फॉर्म फिलिंग ज्यादा होती है एज कंपेरेटिव अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसेस। बट आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑपोजिट रहने वाला है। आपको हाउसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, नंबर ऑफ फ्लैट्स अप्रोक्सीमेटली 40,000 फ्लैट्स हैं एंड फॉर्म फिलिंग बहुत कम रहने वाली है। इसका मतलब ये कि इस बार आपके पास प्रॉपर एक अच्छा खासा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको ये कंफर्मेशन हो सकती है कि आपको क्या पता बहुत इजीली यहाँ पे फ्लैट अवेलेबल हो जाए। मतलब ये कि आप अपना घर बनाने का सपना बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी हम तीनों स्कीम्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि किस स्कीम में आपको क्या मिलता है एंड किसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्या बेसिक क्राइटेरिया। बात कर लेते हैं पहली हाउसिंग स्कीम की, जो कि रहती है हमारी DDA सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम के अंदर आपको जो हमारे फ्लैट्स मिलते हैं वो मिलते हैं EWS और LIG कैटेगरी के, आपको इसके अंदर फ्लैट्स मिलते हैं। एंड इस स्कीम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका बेसिक क्राइटेरिया रहता है कि आपके पास EWS का सर्टिफिकेट मस्ट है, जो कि हमारी पहली हाउसिंग स्कीम के अंदर है, दूसरी हाउसिंग स्कीम में नहीं है। पहली हाउसिंग स्कीम के अंदर, सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के अंदर, आपका EWS का फ्लैट मस्ट है, EWS का सर्टिफिकेट मस्ट है। साथ में आपकी एनुअल इनकम 10 लाख से नीचे होनी चाहिए, आपकी आपकी फैमिली की, या फॉर एग्जांपल आप हस्बैंड वाइफ है तो आपकी 10 लाख से नीचे की एनुअल इनकम होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ये DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने के। साथ में इस कैटेगरी के अंदर आपको 2 फ्लैट्स मिलते हैं, एक LIG फ्लैट्स मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं EWS फ्लैट्स। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा सारी डिटेल्स, आप समझ सकते हैं आपको कैसे क्या अप्लाई करना है। अप्लाई कर मैं आपको बताऊं, DDA.gov.in की वेबसाइट पे आप जाएं और अपना सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम की योजना में अप्लाई करें, जिसके अंदर आपको एक 2,500 रुपये का ₹2,500 का आपको फॉर्म परचेस करना पड़ता है, जिसके अंदर आप अप्लाई करके अपना EWS और LIG फ्लैट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बुकिंग के लिए। अब इस फ्लैट्स के अंदर जो आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक अच्छा काम करेंगे एंड वर्क करेंगी। जो हमारी सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम रहती है उसके अंदर आपको 2 क्राइटेरिया मिलता है, पहला क्राइटेरिया EWS का फ्लैट, दूसरा क्राइटेरिया आपका 10 लाख से अंदर आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए आपके एंड आपकी फैमिली की मिला के।
अब इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 2500 रुपये का फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो इसकी वेबसाइट है DDA.gov.in के अंदर जाके आप DDA सस्ता घर हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो EWS फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट आपका रहता है 50,000 रुपये एंड LIG फ्लैट के लिए रहता है आपका 1,00,000 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका कल को फ्लैट निकलता है तो आपको वो सरेंडर अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी साथ में सरेंडर हो जाएंगे, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। यानी कि आपको एक एक चीज़ ध्यान से देखनी है। अब मैं आपको ना इस वीडियो के अंदर लोकेशंस वगैरह भी सब बताऊंगा कि कहाँ पे इनके सैम्पल फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जो भी डिटेल्स आपको सारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो DDA हाउसिंग स्कीम है इसकी जो हमारी योजना जो है प्रॉपर आप देख सकते हैं 12/8/2024 में स्टार्ट हुई है एंड इसमें अलग अलग आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमारी 22/8/2024 सुबह 11 बजे से हमारी योजना स्टार्ट हुई है एंड अगर इसमें अधिक हम आपसे इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो हमारी क्लोजर ऑफ स्कीम है 31/3/2025 में हमारी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी, मतलब उससे पहले आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना काम ये लेने की एंड अपना फ्लैट बुक कराने की। इस योजना के अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा EWS के जो फ्लैट्स हैं उनके अंदर बुकिंग अमाउंट 50,000 रुपये का रहता है, साथ में जो हमारे LIG के फ्लैट्स हैं उनके अंदर बुकिंग अमाउंट आपका 1,00,000 रुपये का रहता है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है अगर आपके फ्लैट्स निकलते हैं एंड अगर आप अपने फ्लैट्स को सरेंडर करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा आपके बुकिंग अमाउंट का। यानी कि 50,000 या 1,00,000 रुपये आप जो भी लेते हैं वो आपको रिफंड नहीं होगा, और अगर आप ये फ्लैट्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी हमारे पेमेंट रहती है उसके अंदर से आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर एक योजना रहने वाली है, इसके अंदर हमारे कौन से क्या फ्लैट्स अवेलेबल है, तो आप DDA.gov.in की वेबसाइट पे जाएं और पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। साथ में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कौन सी लोकेशंस पे कौन से फ्लैट्स आ रखे हैं। बात कर लेते हैं इस बार अप्रॉक्सीमेटली 40,000 हमारे फ्लैट्स रहते हैं, जिसके अंदर आपको EWS और LIG फ्लैट्स मिलते हैं, हमारी पहली हाउसिंग स्कीम जो है सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हम फ्लैट्स की, तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं सीरसपुर की लोकेशन पे आपको LIG फ्लैट मिलते हैं, जिसके अंदर आपको प्रॉपर यहाँ पे एक लोकेशन प्रोवाइड है। यहाँ पे आपको फ्लैट जो सैम्पल फ्लैट्स की बात कर ले अगर आप देखना चाहते हैं, क्योंकि सैम्पल फ्लैट्स अगर आप पहले देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस चीज़ का ये रहेगा कि उस तरीके से कॉन्सेप्ट पे आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, तो पहले आप जाएं और यहाँ पे सैम्पल फ्लैट जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद आप अपना निर्णय लें कि अगर आपको बुक कराना है नहीं कराना। क्योंकि अगर आपने पहले बुक करा दिया, बाद में आपने सैम्पल फ्लैट देखा और अगर आपको सैम्पल फ्लैट पसंद नहीं आता या लोकेशन पसंद नहीं आती आपके, ऑटोमेटिकली आप बाकी अपने पैसे खर्च नहीं करोगे एंड जो भी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सारी डूब जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ पे आपको किस लोकेलिटी में कौन से एड्रेस पे कौन सा सैम्पल फ्लैट मिलेगा एंड वहाँ पे आपको जाके किसको कॉन्टैक्ट करना है। पहली लोकेशन हमारी रहती है, लोकेलिटी रहती है सीरसपुर। यहाँ पे आपको LIG फ्लैट मिलते हैं, जिसका एड्रेस अगर मैं आपको बताऊँ, फ्लैट नंबर C2-261, यहाँ पे आपको सुधाकर सेन मिलेंगे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7018347455। साथ में यहाँ पे अभिषेक गुप्ता भी हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7838316570। अगर हम यहाँ पे लोकनायकपुरम में बात करें तो यहाँ पे भी आपको LIG फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। फ्लैट की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेता तो यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर 487 पॉकेट ए के अंदर सुदर्शन शक्त मिलेंगे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9559613197। इसके बाद रामगढ़ की लोकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लैट नंबर 4 आपको मिलता है, जिसके अंदर जहाँ पे आपको प्रशांत मिलेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर 9050113944। नरेला के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट्स की, तो यहाँ पे आपको G8 पॉकेट 3 के अंदर मिलता है LIG फ्लैट, फ्लैट नंबर 1 ब्लॉक A01 पॉकेट 3 सेक्टर GB, यहाँ पे आपको मिलता है। एंड कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं आपसे यहाँ पे इनकी बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे नरेला के दो आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिल दो पॉकेट्स में मिलते हैं लोकेलिटी में, सेकंड पॉकेट भी हमारी रहती है G7 पॉकेट 8 पॉकेट 5 LIG फ्लैट्स मिलते हैं यहाँ पे, फ्लैट नंबर 54 ब्लॉक G पॉकेट 5 सेक्टर G7। यहाँ पे भी अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो हितेश खत्री मिलते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे जिनके अगर कॉन्टैक्ट नंबर की 9968444005। साथ में सतेंद्र नारायण सिंह भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7860003427। नरेला के अंदर एक और पॉकेट मिलती है, जिसके अंदर आपको G7 पॉकेट 8 पॉकेट 5 मिलती है EWS कैटेगरी के, यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं, फ्लैट नंबर 07 ब्लॉक A 10 पॉकेट 5 सेक्टर G7।
यहाँ पे आपको सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं। साथ में हमारे नरेला के अंदर आपको देखा होगा आपने अलग अलग लोकेशंस पे, आपको यहाँ पे नरेला के अंदर बहुत फ्लैट्स ऑफर हो रहे हैं नरेला की अलग अलग लोकेशंस पे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे आपको नरेला G2 पॉकेट 2 के अंदर भी LIG फ्लैट्स मिलते हैं, साथ में नरेला पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 सेक्टर G2 के अंदर आपको C09 पॉकेट 1, A28 पॉकेट 4 के अंदर आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपको किन से करना है आपको स्क्रीन पे डिटेल शो अप हो रही होगी, नीतीश कुमार प्रॉपर यहाँ पे 9928993030। साथ में आप यहाँ पे विवेक कुमार सिंह से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7091403047। ऐसे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपको अलग अलग लोकेशन पर फ्लैट्स मिलते हैं। साथ में यहाँ पे एक लोकेशन रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर भी आपको मिलते हैं, आप देख सकते हैं पॉकेट 1 B2624 ग्राउंड फ्लोर आपको मिलता है, सैम्पल फ्लैट हमारा रहेगा। साथ में B2628 फर्स्ट फ्लोर पॉकेट 2 में मिलता है, D124 ग्राउंड फ्लोर, D125 फर्स्ट फ्लोर पॉकेट 3, B13 ग्राउंड फ्लोर, B1B फर्स्ट फ्लोर पॉकेट 4 के अंदर, एंड साथ में आपको C13 ग्राउंड फ्लोर, C15 फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आपको किनसे कांटेक्ट करना है, यहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है विशाल कुमार से, साथ में आपको फैजान अहमद भी यहाँ पे मिलेंगे जिनके कांटेक्ट नंबर की अगर मैं आपसे बात करूँ 9508730547। यहाँ पे आपको ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग लोग अवेलेबल होते हैं। आप इस चीज़ से पहले एक चीज़ मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा, कोई भी आपके इन लोकेशन पे विजिटिंग चार्जेस नहीं होते, क्योंकि साथ में आज की डेट में एक स्कैम हो चुका है कि अगर आपको विजिट करा रहे तो आपसे एक ऑटोमेटिकली बेसिक अमाउंट मांगते हैं। कृपया करके इन टाइप के स्कैमर से आप दूर रहें, क्योंकि ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं देना आपको। DDA की हाउसिंग स्कीम है, सब कुछ सरकारी है, तो जो भी करना है आप सरकारी तरीके से करें। कोई भी डीलर अगर आपसे कुछ पैसे मांगता है, विजिटर आपसे जब आप विजिट करते हैं, तो आपने एक रुपया भी नहीं देना, इस चीज़ को ध्यान में रखें, क्योंकि इस चीज़ का स्कैम भी हमारे यहाँ पर बहुत चल रहा है। काइंडली अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्कैमर्स। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है। साथ में नरेला के अंदर ही कितनी पॉकेट्स हैं आपको, सीरसपुर, लोकनायकपुरम, रोहिणी सेक्टर 34 के अंदर भी आपको यहाँ पे फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये, पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि इन बुकिंग कराने से पहले अपना 2500 रुपये का ये बुकिंग अमाउंट देने से पहले आप कृपया करके लोकेशंस पे जाएं, फ्लैट्स देखें, उसके बाद उसी फ्लैट कैटेगरी में अप्लाई करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर कल को आपका फ्लैट निकल जाता है एंड सरेंडर करते हैं, आपका इनिशियल पेमेंट भी आपकी सरेंडर हो जाएगी, जो कि 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपये है। तो काइंडली गो फॉर दैट फर्स्ट। अब उसके बाद अगर हम आपसे डिटेल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे अमाउंट ऑफ फ्लैट्स की भी आपको अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सीरसपुर के अंदर जो हमारे LIG कैटेगरी के फ्लैट्स हैं 700 फ्लैट्स हैं, जिनका अगर एरिया की बात करूँ 35.76 से लेकर 36.39 मीटर का यहाँ पे रहता है, जिसकी अगर प्राइसिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 17 से लेकर 17.5 लाख की यहाँ पे रहती है। लोकनायकपुरम में भी आपको LIG फ्लैट्स मिलते हैं, जो कि अगर अमाउंट की बात करूँ 130 फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी रहती है, 46 से लेकर 44 मीटर के फ्लैट्स हैं, जिसकी कॉस्टिंग रहती है अप्रॉक्सीमेटली 26 से लेकर 28 लाख रुपए। रामगढ़ के अंदर LIG फ्लैट्स मिलते हैं, जो कि आपको 184 LIG फ्लैट्स मिलते हैं, जिनकी कॉस्टिंग 31 लाख से 35 लाख के अराउंड रहती है। ऐसे आप देख सकते हैं अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स रहते हैं। बात कर रहे हैं नरेला के अंदर G2 पॉकेट 2 के अंदर LIG फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है, जो कि आपके 482 LIG फ्लैट्स रहते हैं, 33 से लेकर 34 मीटर के फ्लैट्स हैं। प्राइसिंग की बात करूँ 14.5 लाख के अराउंड आपको फ्लैट्स मिलते हैं, एंड आफ्टर डिस्काउंट अगर मैं आपसे बात करूँ तो 11 से लेकर 12 लाख के आपको फ्लैट्स मिलते हैं। क्योंकि जितने भी आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको 11 से 11 लाख के अंदर 11-12 लाख के अंदर फ्लैट्स मिल जाते हैं, इसके अंदर डिस्काउंट भी आपके लिए अवेलेबल है। नरेला पॉकेट के अंदर आकर बात करें 6711 और सेक्टर G7 के अंदर LIG फ्लैट्स मिलते हैं, जो कि 11,772 फ्लैट्स हैं, जिसका अगर एरिया की बात करूँ आपका 50 गज के अराउंड है, 49.9 आपका स्क्वायर मीटर आपको मिलता है, काफ़ी अच्छा साइज हो जाता है, जिसकी प्राइसिंग की बात करते हैं 23 लाख रुपये से 23.5 लाख रुपये मिलते हैं। आफ्टर डिस्काउंट 10% इसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलता है, 20 से लेकर 21 लाख रुपए के आपके आपको फ्लैट्स मिलते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स मिलते हैं। रोहिणी सेक्टर 34 की अगर बात करें 34-35 फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर LIG फ्लैट्स है, टोटल अवेलेबिलिटी 123 फ्लैट्स की आपको यहाँ पे मिलती है।
जिसका साइज रहता है आपका 33 से 34 मीटर के अराउंड। प्राइसिंग की बात कर ले 14 लाख से 14.5 लाख के बीच है, जिसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। 14 से 14.5 लाख के बीच आपको फ्लैट्स मिलते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी मिलती है विद आपके अमाउंट ऑफ फ्लैट्स अवेलेबिलिटी। टोटल फ्लैट्स की यहाँ पे बात करें तो 34,170 फ्लैट्स इस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, जो हमारी पहली योजना है DDA सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के अंदर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारी दूसरी योजना की, जो है DDA मध्यम वर्गीय योजना। ये बेसिकली ऐसी योजना है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक क्राइटेरिया है, ज्यादा क्राइटेरिया नहीं है, आप बहुत इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स की। अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे जो हमारी DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि आपको अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। और ये एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो कि जिनके पास अगर खुद की भी एक प्रॉपर्टी है तो वो भी इजीली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस हाउसिंग स्कीम के अंदर आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि आपको अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स मिलते हैं। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो हमारे इसमें आपको EWS कैटेगरी के फ्लैट्स भी मिलते हैं, एंड इसके अंदर भी सेम आपका क्राइटेरिया देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपके इसमें जो भी हमारी डिटेल्स रहती हैं इसके अंदर आपको EWS, MIG और HIG तीनों कैटेगरी फ्लैट्स मिलते हैं, बट इसमें आपको साइजेस बड़े मिलते हैं। बट इसमें आपको एक चीज़ में जो मैंने आपको पहले गलत बताई कि आपको इसके अंदर भी EWS का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिसका एक मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। साथ में आपकी सैलरी 10 लाख से नीचे होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़ हो गया तो मैं आपको फिर समझाना चाहूँगा। तीन फ्लैट्स आपको इसमें मिलते हैं EWS, MIG, HIG, जिसके अंदर अगर आप सेम आपका 2,500 रुपये का फॉर्म रहता है बुकिंग अमाउंट का, एंड बुकिंग अमाउंट की बात कर ले अगर आप EWS का इस कैटेगरी के अंदर फ्लैट अप्लाई कराते हैं तो 50,000 रुपये का बुकिंग अमाउंट है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। MIG फ्लैट्स की यहाँ पे बात करते हैं तो 4,00,000 रुपये का आपको बुकिंग अमाउंट देना है 2,500 का फॉर्म भरने के बाद। साथ में अगर HIG फ्लैट्स की बात करें तो 10,00,000 रुपये का आपको बुकिंग अमाउंट देना है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और ये जो आपकी जितना भी आपकी पैसे है, अगर आपको अलॉटमेंट जिस दिन हो जाती है विद इन जो रेस्ट अमाउंट है आपका 60 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट कराना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर आपको कोई टाइम लंबा अच्छा खासा पीरियड नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारा सेम प्रोसेस रहता है कि यहाँ पे कौन सी लोकेशन पे कौन से फ्लैट्स अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलती है एंड क्या रेट पे क्या है। नरेला के अंदर यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं EWS कैटेगरी के, जिसके अंदर आपको एड्रेस अगर मैं आपको बताऊँ सैम्पल फ्लैट का 108 BLKG पॉकेट 4 के अंदर देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एंड सेम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अवेलेबल रहेंगे उनकी डिटेल्स मैं अगर आपको बताऊँ तो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। उमेश कुमार AE इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो मैं आपको बताना चाहूँगा 9149351699। साथ में महेश चंद्र यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है 8210157728। एंड साथ में अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे आपको अलग अलग फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। नरेला के अंदर जैसे मैंने आपको दिखा पॉकेट 3, 4, 7, 14 सेक्टर A1, A4 के अंदर आपको दिखने में मिलते हैं, जिसके अंदर आपको EWS, MIG कैटेगरी के और HIG कैटेगरी के फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपसे MIG कैटेगरी के फ्लैट्स की बात करता हूँ यहाँ पे तो 200A आपका ब्लॉक नंबर रहता है, ब्लॉक नंबर A पॉकेट 4 के अंदर आपको सैम्पल फ्लैट देखने को मिलता है। साथ में अगर यहाँ पे हम HIG की फ्लैट्स की भी बात करें 208 नंबर आपको दिखता है ब्लॉक जी में 208 नंबर ब्लॉक जी पॉकेट 4 के अंदर आपको फ्लैट देखने को मिलता है। ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। साथ में यहाँ पे हमारा लोकनायकपुरम के अंदर भी फ्लैट्स रहते हैं, जिसकी अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूँ लोकनायकपुरम के अंदर आपको EWS फ्लैट्स मिलते हैं, H112 फ्लैट नंबर 3 आपको ब्लॉक E1 पॉकेट 6 के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको अनुराग यादव अवेलेबल मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर की अगर हम इनसे बात करें तो 8960908231 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। साथ में यहाँ पे विशाल असवल भी अवेलेबल है, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है आपका 8077762695। ऐसे आपको अलग अलग लोकेशंस पे लोग देखने को मिलते हैं, जो कि DDA की तरफ से आपको लोग मिलते हैं, एंड ये एक आपसे जीरो अमाउंट चार्ज करेंगे आपको सैम्पल फ्लैट दिखाने का। तो काइंडली इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको एक रुपया भी पे नहीं कर रहा। ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स मिलती है, एंड ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ फ्लैट्स क्या है। अब अगर हम इस कैटेगरी के अंदर अगर हम अमाउंट नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करते हैं तो क्या क्या रहता है हमारा यहाँ पे नरेला के अंदर आपको जो EWS फ्लैट्स मिलते हैं वो टोटल फ्लैट्स आपके 1087 फ्लैट्स मिलते हैं आपको देखने में, जिसकी प्राइस रेंज अगर आपको बताऊं आपको 32 से लेके 35 लाख रुपए का प्राइस है, बट आफ्टर डिस्काउंट इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता।
आपको इसमें अप्रॉक्सीमेटली अगर स्क्वायर मीटर में बताऊं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 61 से 66 स्क्वायर मीटर का फ्लैट मिलता है, जो कि एक अच्छा खासा साइज आपको देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। साथ में यहाँ पे जो हमारे नरेला के अंदर आपको एमआईजी फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, उनका जो साइज रहता है 118 से 141 मीटर का, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर प्राइसिंग की बात बताऊं तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 करोड़ से लेके 1.22 करोड़ तक के यहाँ पे फ्लैट्स रहते हैं, यानी कि आपको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग फ्लैट देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं नरेला के अंदर जो हमें यहाँ पे हमारे फ्लैट्स रहते हैं वो रहते हैं आपके एमआईजी कैटेगरी के। नंबर ऑफ फ्लैट्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे 420 फ्लैट्स मिलते हैं, जिनका अप्रॉक्सीमेटली जो मैं आपको एरिया बताऊँ 112 से 114 मीटर स्क्वायर मीटर का रहता है, एंड सेम यहाँ पे आपको 85 से लेकर 87 लाख के फ्लैट्स मिलते हैं। आफ्टर डिस्काउंट आपको जो यहाँ पे फ्लैट्स मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 75 से लेकर 70 लाख का डिस्काउंट मिलता है, और ये जो डिस्काउंट हमारा एप्लीकेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फ्लैट, ये डिस्काउंट हमारा एप्लीकेबल है। साथ में लोकनायकपुरम के अंदर भी आपको फ्लैट्स मिलते हैं, आपको जसोला के अंदर भी फ्लैट्स मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर हम इसके अंदर बात करें तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5531 फ्लैट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि आप जो भी यहाँ पे फ्लैट्स देखते हैं आपको मतलब एक अमाउंट अच्छा खासा आपको फ्लैट्स मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 टोटल फ्लैट्स आए हैं इस बार हमारी योजना के अंदर, एंड आप देख सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग प्राइसिंग और अलग अलग लेआउट एंड साइजेस के साथ। इसी तरीके से हमारी एक तीसरी योजना भी है यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, जिसका हमारा रहने वाला है DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम। अब इस योजना के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारी योजना रहने वाली है DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम, ये बेसिकली एक एक्सपेंसिव जिनका बजट है, बजट बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए आपकी योजना रहने वाली है। एंड अगर इस योजना के अंदर मैं आपसे बात करूँ कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे एप्लीकेशन अप्लाई होता है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है इसका, इनकी भी सेम तारीख से डेट्स आपकी स्टार्ट हुई थी, एंड ये एक ई ऑक्शन प्रोसेस है जिसके अंदर अगर मैं आपको डिटेल्स बेसिक बताऊँ, इसके अंदर भी आपका बुकिंग अमाउंट रहता है, जिसके अंदर आपको MIG, HIG, सुपर HIG और पेंट हाउसेस की आपको अवेलेबिलिटी मिलती है। स्क्रीन पे आपको मैं प्रॉपर शो करता हूँ जो यहाँ पे हमारी फ्लैट्स की अगर बुकिंग अमाउंट रहता है 10 लाख रुपए का आपका बुकिंग अमाउंट रहता है MIG 2BHK का, HIG का 15 लाख रुपए, सुपर HIG का आपका 20 लाख रुपए, पेंट हाउस का आपका 25 लाख रुपए, जो कि एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में मद्देनजर रखते लेनी है। अब इस जो हमारे फ्लैट्स है इसके अंदर मिनिमम जो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट भी रहेगी आपकी 1.5 करोड़ से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रहेगी, जिसको आप बिडिंग प्रोसेस से खरीद सकते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में आपको ऑक्शन होगी, आपको बोली लगानी पड़ेगी, एंड जो कि बोली होगी वो आपके 5x के रेशियो पे होगी, यानी कि अगर आपने पहली बोली लगाई 1 करोड़ की तो दूसरी आप बोली लगाएंगे 1.5 करोड़ की, ऐसे आपकी बोली लगेगी, एंड ये प्रॉपर ऑनलाइन एक प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इस टाइप के फ्लैट्स चाहते हैं, एंड आपको अलग अलग लोकेशंस पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी और डिटेल्स एक बार शो करना चाहूँगा, क्योंकि साथ में मैं आपको डिटेल्स भी थोड़ी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपको फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, एंड इंक्रीमेंट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे द्वारका एक बहुत प्राइम लोकेशन है जो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे लेवल पर डेवलप हुई है, एंड उस टाइप की लोकेशन पर अगर आपको देखने को मिलता है जहाँ पर आपकी फैमिली की बेसिक नीड्स सारी फुलफिल होती है, एंड जो इसके अंदर मंथली अगर आपको मैं मेंटेनेंस चार्जेस भी बता दूं, जो जिनका बजट रहता है MIG का 2 रुपये रहता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका साइज, HIG का रहता है 2.5 रुपये, सुपर HIG का रहता है 3 रुपये, एंड पेंट हाउस का रहता है 3 रुपये। जो हमारे पेंट हाउस 5BHK आपके फ्लैट्स रहते हैं, एंड ये सारे द्वारका के प्राइम लोकेशंस पे फ्लैट्स हैं, जिसका मतलब ये कि जिनका भी बहुत बड़ा बजट है, जिनका करोड़ों में बजट है, वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को कंसिडर आउट कर सकते हैं। ऐसे हमारी अलग अलग लोकेशंस पे आप देख सकते हैं हमारे फ्लैट्स रहते हैं। यहाँ पे द्वारका सेक्टर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि द्वारका सेक्टर 19B के अंदर आपको पेंट हाउस देखने को मिलता है, जिसका एड्रेस है E1202 फ्लैट, सैम्पल फ्लैट हमारे यहाँ पे तैयार है, जहाँ पे आपको अफजल हुसैन मिलेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर की अगर इनसे मैं बात करूँ 8875044794 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। साथ में श्री रितेश आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 8083583353। द्वारका सेक्टर 14 के अंदर आपको MIG फ्लैट देखने को मिलता है, जिनका एड्रेस है B1104, एंड ये एक सैम्पल फ्लैट रहता है। साथ में अगर इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे पुलकित अग्रवाल मिलेंगे, जो कि यहाँ पे हमारे एग्जीक्यूटिव रहेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर है 9557420953। साथ में मिस आशा आपको यहाँ पे मिलेंगी, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 7985822238। ऐसे आपको द्वारका सेक्टर 16B में मिलेंगे, द्वारका सेक्टर 19B में भी मिलेंगे। अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स देखने को मिलते हैं, एंड
आपको सैंपल फ्लाइट दिखाए जाएंगे। सबसे पहले आप सैंपल फ्लाइट देखें बिना किसी चीज के कॉन्टैक्ट करें लोगों से, आप पहले चीज देखो उसके बाद, एंड चीज देखने के आपको कोई पैसे नहीं है यहाँ पे, आप फ्लाइट देखो तसल्ली करो, उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल में जाके अपना फॉर्म अप्लाई करो या किसी भी नियर बाय साइबर कैफे में जाके हेल्प लेके आप ये अप्लाई करो, वरना आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करो, हम लोग आपको कोशिश करेंगे डिटेल्स इसकी प्रोवाइड कराने की। अब क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, देखो मैं आपको एक बेसिक छोटा सा सिंपल बताऊंगा। मैंने आपको तीनों हाउसिंग स्कीम बता दी है, शॉर्ट में बात करते हैं। DDA सबसे सस्ता घर हाउसिंग स्कीम, DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, DDA द्वारका हाउसिंग स्कीम। अलग अलग मैंने आपको स्कीम्स बता दी, अलग अलग कैटेगरी के 11 लाख रुपए से लेकर 4-5 करोड़ तक के हमारे फ्लैट्स आते हैं, जो कि अलग अलग लोकेशन पे एंड अलग अलग अपनी कैटेगरी के साथ आते हैं। एंड अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मिलती हैं, जो आप हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे हम आपको गाइड करेंगे। अगर आप खुद के लिए सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं और 11-12 लाख का बजट है, तो डेफिनेटली हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको 11-12 लाख में फ्लैट दे दे, तो आप ऑटोमेटिकली DDA हाउसिंग स्कीम के अंदर जाएं एंड अपना फ्लैट अप्लाई कराएं। बट उससे पहले जो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले लोकेशन पे जाके सैंपल फ्लैट देखें, तसल्ली करें, टाइम आपको बहुत मिलता है अप्लाई करने का। 2025 3 महीने भी 2025 के अंदर आपको ये ऑटोमेटिकली स्कीम ओपन मिलती है, बट जितनी जल्दी होंगे आप वो करें, बट उससे पहले कृपया करके अपनी चीज़ें चेक करें और किसी के भी गलत बहकावे में ना फंसे कि जी हम जुगाड़ से करा देंगे, सरकारी काम है, सरकारी काम में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं चलता इन चीज़ों में। तो कृपया करके अपना भरोसा किसी पे भी ऐसे अंधविश्वास ना करके प्रॉपर इसको ऑथराइज तरीके से करें, साइबर कैफे हमसे कॉन्टैक्ट करके इसको फॉर्म फिल करें अगर आप लेना चाहते हैं हर तरीके से, एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो ही करें। अगर आपका EWS का क्राइटेरिया, क्या पता हम कोई चीज़ आपको ढंग से बताना भूल गए, तो अपनी भी पूरी की पूरी एक बार चेकिंग एंड वेरिफिकेशन करें, क्योंकि आप लोग ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरा इतना फर्ज बनता है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूँ एंड कोशिश करूँ कि आपके पैसे सेफ हैंड्स में जाएं। साथ में ये वीडियो हमने रोहिणी सेक्टर 34 से स्टार्ट करी थी, जो वहाँ पे भी आपको DDA फ्लैट्स मिलते हैं, उसके लिए भी आप हम कॉन्टैक्ट करें। आप यहाँ हमें दिल्ली NCR के अंदर कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टैक्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए भी करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो भी क्लाइंट कस्टमर एक सेटिस्फैक्शन के साथ बैठे और जाए एंड उसका पैसा सेफ हैंड्स में आए, क्योंकि 1-1 रुपये कमाना भी आज की डेट में बहुत मुश्किल है। जो कमाता है वो जानता है उसकी अहमियत, पैसा फूकने के लिए नहीं है, किसी को ऐसे अंधविश्वास करके ना दे और अपने आप को एंड में ऐसा ना करे कि आपको पछताने का मौका मिले। स्क्रीन पे एक वेबसाइट आपको शो रही है DDA.gov.in, इस पे जाए एक बार अपने एंड से पूरी जानकारी ले, बाकी आप मुझसे कांटेक्ट करोगे मैं आपको तीनों मैं आपको हाउसिंग स्कीम्स की एक बार PDF शेयर करूंगा, जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखिए सरकारी, आप सब कुछ पढ़े, अपनी खुद की तसल्ली करें, उसके बाद खुद जाओ और अप्लाई करो, वरना हम आपकी हेल्प कराएंगे। हमारा वादा है, हमारी आपसे इस चीज़ में बिल्कुल जीरो फीस रहती है। हम चाहते हैं कि आपका एक घर बने एंड ऑटोमेटिकली हर इंसान का एक सपना होता है, वो अपनी रूफ पे छत होनी चाहिए, एंड दिल्ली जैसी लोकेशन पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कॉन्टैक्ट क्या हमसे आप पीछा पड़ दो जी, हमें कुछ हेल्प करो, हम कोशिश करेंगे आपको गाइड कराने की। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी प्रोवाइड करा सके। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब अगर यहाँ तक देखा है तो। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में, कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे 24/7, आप जब करना है जब मैसेज करो यार, कॉल मत करो रात को, ठीक है। बाकी मिलूंगा मैं आप लोगों को ऐसे किसी नई वीडियो में, टिल देन अपना ध्यान रखें, बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा, बाय बाय।